नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि आपका जो SSC CHSL 2024 है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स में जानेंगे कि क्या है CHSL 2024। जो लोग भरने वाले हैं उनके लिए काफी हेल्प होने वाली है, यानी ये फॉर्म जो फिल करने वाले। कुछ बेसिक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर नोटिफिकेशन पे आता। जैसे मैं SSC ने 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन निकाला। ये नोटिस है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी बारीकियां मैंने भेज भी दी थी और ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखो कुछ चीजों पे जिस पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। देखो आपका जो टीयर मतलब सॉरी CHSL 2024 का एग्जाम है उसकी जो आप फॉर्म भर सकते हैं वो 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक भर सकते हैं। 7 मई को आपका लास्ट ऑनलाइन फॉर्म और 8 तारीख को आपकी फीस ली जाएगी, उसके बाद नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो पाए अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ के अपना फॉर्म फिल कर दें। इससे क्या होगा कि साइट लास्ट में हैंग हो जाती है, कई बार फी पेमेंट वगैरह नहीं होता, तो उसका इश्यू नहीं होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती रह जाती है तो 2 दिन बाद यानी 8 तारीख के 2 दिन बाद यानी 10 मई से लेकर 11 मई के बीच में आपका क्या शुरू होगा, करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी। करेक्शन विंडो पे आपको ₹200 फी चार्ज किया जाता है और उसके बाद वो 200 का पेमेंट करके आप अपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है तो कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम है चुनाव के चलते जून जुलाई में हो रहा है। ठीक है, जुलाई में वैसे एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें जुलाई में डेट दी गई थी, बट आप मान लीजिए कि आपका जून जुलाई के बीच में एग्जाम होगा। तो प्री का आपके पास पता है अप्रैल बचा है, मई बचा है, जून बचा है, जुलाई में आपका एग्जाम होगा मोस्ट प्रोबेबली मान के चलते, यानी 3 मंथ्स लेफ्ट है। इसके लिए आपको पता है कि 90 डेज में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने तैयारी करी होगी। अगर नहीं करी है तो आप 90 डेज को तो झोंक दो, मिनिमम 7-8 घंटे पढ़ने लग जाओ। ठीक है, और एग्जाम के 1 महीने पहले जो नोटिफिकेशन मतलब जो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ते हैं वो तो बहुत कम ही सिलेक्ट होते हैं, बट हाँ नोटिफिकेशन के बाद प्रेशर जरूर बनता है दिमाग पे, हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, आउटपुट ज्यादा निकलता है। तो उस प्रेशर के साथ अच्छे से तैयारी करो, घबराना नहीं है कि 90 डेज में एग्जाम है। ठीक है, वो सारी चीजें और कैसे करें तैयारी, मैंने एक वीडियो भी कर रखी है कि हाउ टू कम्प्लीट अपना मैथमेटिक्स सिलेबस इन 300 आवर्स कैसे करना है, उसका PDF में मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। GK स्ट्रेटजी, इंग्लिश स्ट्रेटजी सब आपको मिल जाएगी, बस आपको ध्यान से देखना। देखो आपको मैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो CHSL होता है, आगे मैं चलता हूँ धीरे धीरे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है इसका मतलब मैंने पढ़ा है ये सारी चीज। आपका जो CHSL होता है उसमें 3 तरह की पोस्ट, पहले कई तरह की होती थी, अभी 3 तरह की पोस्ट आती है। बेसिकली LDC होता है, JSA होता है यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है, और एक होता है DO। देखो कितनी पोस्ट होती है, मैं पोस्ट की बात कर ले रहा हूँ अभी, सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। पहला एक पोस्ट LDC बता दिया, एक होता है DO होता है, और एक होता है JSA। ठीक है, LDC और JSA जो होता है ये आपका Pay Level 2 यानी कि Pay Level 2 MTS से जस्ट ऊपर वाली पोस्ट होती है। DO की 2 पे ग्रेड में पोस्ट है, एक Pay Grade 5 यानी Pay Level 4 और एक Pay Level 5 में पोस्ट है। ठीक है, यानी कि ये बात करें तो ये 2400 ग्रेड पे है, या 2800 ग्रेड पे, और अगर इसकी बात करें तो 1900 ग्रेड पे शायद होती है, नहीं 1900 नहीं 1800 ग्रेड पे होती है। ठीक है, तो ये 1800 ग्रेड पे हो गई, 2400 2800, अगर आपसे कोई ग्रेड पे पूछे तो 1800 2400 2800। यानी अगर मैं वैसे बात करूं तो ये कांस्टेबल रैंक का, ये ASI रैंक की पोस्ट होती है, ये कांस्टेबल रैंक की, हेड कांस्टेबल रैंक की पोस्ट होती है, और ये हेड कांस्टेबल, ये कांस्टेबल। ठीक है, ये ऐसी पोस्ट होती है। बाकी बाबू का काम होता है यानी कि आपको ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है, ना कोई चपरासी ना किसी का ग्लास धुलना है, बाबू आप सरकारी कर्मचारी अच्छे से बन जाएंगे। और अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो कई डिपार्टमेंट में Pay Level 5 से लोग Pay Level 9-10 तक जाते हैं। ठीक है, 8-9 तो मिनिमम जाते हैं, 10 तक भी लोग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस पोस्ट को छोटा समझे बड़ा समझे, जो चीजें हैं आपके दिमाग में वो तो सारी निकाल दो। और ये सब बारीकियां आपको हो सकता है किसी और नोटिफिकेशन किसी और वीडियो में ना मिली हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ Pay Level 2 की सैलरी कितनी रहने वाली है, Pay Level 3 की कितनी सैलरी, Pay Level 4 की कितनी रहने वाली है, Pay Level 5 की, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा पैसा भी है ना भैया। Pay Level 2 पे आप मान के चलना कि 35 के इनहैंड XCT में आपको मिल जाएगी, XCT जैसे दिल्ली में 4 XCT है। Pay Level 4 की मैं बात करूं तो लगभग 47 से 48 हजार मिल जाएगी इनहैंड, और Pay Level 5 में आपको सैलरी 53-54 या 55 हजार के करीब मिल जाएगी। XCT की बात करो, YCT में 3-3 हजार कम कर लेना। ठीक है, 3 हजार 3 हजार 3 हजार लगभग कम कर लेना, 3-4 हजार, मतलब ये एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ, बाकी कहीं 4 हजार के 3700-3800 ऐसे कम होगा। और ZCT में लगभग मान लो कि इनकी सैलरी 30 हजार के अराउंड होगी, इनकी सैलरी ZCT में लगभग 42 हजार के अराउंड होगी, और इनकी सैलरी 47 से 48 हजार होगी। ये आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर है। अब ये ना पूछना है ZCT में कम क्यों होती है, क्योंकि वहां पे खर्चा कम होता है, ये सारी चीजें पता चल गई। देखो आपको पता है LDO, एक चीज और बता दूं बेसिक चीज कि आपसे अगर कोई पोस्ट के बारे में पूछे तो एटलीस्ट ये तो बता पाओ। देखो DO की जो एक है, DO की एक पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी 3 अलग अलग मिनिस्ट्री में। एक होता है कंज्यूमर अफेयर्स, इसके लिए अलग निकालती है कंज्यूमर अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कंज्यूमर अफेयर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए ठीक है अलग डीओ, यानी ये ग्रेड ए के डीओ है, ग्रेड ए मतलब उस पोस्ट का नाम है, ऐसा नहीं कि ग्रुप ए की नौकरी होगी, बाकी डीओ अलग है। और तीसरी यानी एक ये डीओ हो गए, एक डीओ हो गए और एक एलडीसी, और यानी कि पे लेवल टू वाली पोस्ट हो गई। तो इस तरह की कट ऑफ भी आती है प्री के। अब देख पा रहे होंगे पे लेवल फोर का बेसिक कितना है, पे लेवल टू का बेसिक कितना है, पे लेवल फाइव का बेसिक कितना है, सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं कि सबसे अल्टीमेट ग्रुप की वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वैकेंसीज मैंने खूब अच्छे से हाईलाइट भी कर दिया कि 3712 वैकेंसीज हैं। ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज, यानी इससे प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, कई सालों में प्लस हुई कई सालों में माइनस, लेकिन अभी आप मान के चलेंगे 3712 वैकेंसीज के लिए आपको फाइट करना है। रिजर्वेशन आपको पता है इसमें किसको किसको दिया जाता है, एससी एसटी, एससी को दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विस मैन, कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वगैरह, उनको भी दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल में वीडियो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। ये जरूर पढ़ लेना, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप ये जरूर पढ़ लेना, पैरा 3.3। ये पैरा आपके लिए है कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में किस तरह की डिसेबिलिटी किस पोस्ट के लिए सुटेबल है, किस तरह की पोस्ट के लिए नहीं सुटेबल है। तो पैरा नंबर 3.3 इज फॉर यू, ठीक है। ये बेसिक चीज हो गई। ये अलग अलग चीजें की बी फॉर ब्लाइंड, एलवी मीन्स लो विजन, ये आपको जो यहाँ एब्रिविएशन यूज हुए हैं, एब्रिविएशन ये सारी चीजें जो लिखी गई कि कैसी पोस्ट के लिए आप कौन एलिजिबल है उसका, या फुल फॉर्म लिखा है कि वन आर्म किसका, वन लेग किसी को है, बोथ आर्म्स है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज। नेशनैलिटी सिटीजनशिप आपको पता है, इंडिया नेपाल और भूटान के लोग एग्जाम दे सकते हैं, और ये जो इंडियन माइग्रेट किए हैं यहाँ से, अलग अलग देशों से माइग्रेट किए हैं और सेटल हो गए हैं इंडिया में, ये भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई, ये हमें नहीं लगता। एक चीज और है कि यहाँ पे जो बीआरओ की पोस्ट होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ये आपको बता दूं। तो यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कम वैकेंसी होती है, ये सबको पता होना चाहिए। बीआरओ की वैकेंसी चूंकि टफ पोस्टिंग होती है ना उनकी, थोड़ी अलग उल्टी सीधे जगह पे, तो इस वजह से क्योंकि बॉर्डर पे आपका पोस्टिंग होती है तो थोड़ा सा महिलाओं के लिए नहीं है, इस वजह से गर्ल्स के लिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से इसको हाईलाइट कर दिया। एज लिमिट की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो 1 अगस्त 2024 रखी गई, यही सीजीएल के लिए होगी। तो आप लोग घबराएं नहीं, सीजीएल के लिए भी यही होने वाली, क्योंकि जो सेकंड हाफ में किसी ईयर के सेकंड हाफ में अगर नोटिफिकेशन आता है, मतलब एग्जाम होने वाला होता है, तो उसकी क्राइटेरिया हमेशा ये कोशिश करते हैं 1 अगस्त को रखें, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो कि ये करो कि 1 जुलाई हो जाए, 1 जनवरी हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। 1 अगस्त 2024 सीपीओ के लिए भी है, सीजीएसएसएल के लिए भी है, और ये मान के चलेंगे 1 अगस्त 2024 सीजीएल के लिए भी रहेगी। आपको पता है सीएचएसएल में जो पोस्ट होती है वो, सॉरी सारी पोस्ट होती है उनके लिए जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए 18 से 27 फिक्स करी गई, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इस 18 से 27 में ऐसा नहीं है कि आप, एक मिनट कलर चेंज करके ताकि हाईलाइट करता चलो, इस 18 से 27 में ये नहीं है कि आपके जो कैटेगरी है उसकी अलग से वो रिलैक्सेशन, जैसे आपको पता होगा कि 18 से 27 के बीच में होना चाहिए, और साथ ही साथ आप अगर जनरल से हैं तो आप 2/8/1997 के बाद पैदा हों और 1/8/2006 के पहले के पैदा होने चाहिए अगर आप जनरल से हैं, तो ये आप हमेशा याद रखना, ये देख लेना कि इसके बीच में पैदा हुए तभी आप एलिजिबल हो, यानी कि 1 अगस्त 2024 को आप 18 से ज्यादा होने चाहिए और 27 साल से कम होने चाहिए, ये जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आपको पता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन रखा गया, ओबीसी के लिए 3 साल, और अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन, यानी कि 10 साल का डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन, और प्लस अगर कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन है तो वो अलग से, जैसे जनरल के लिए इतना और बाकी कैटेगरीज के लिए 3 और 5 साल जोड़ के, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल, डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल, डिफेंस पर्सनल ऑपरेशन में कोई अगर डिसेबिलिटी हुई थी तो 8 साल इनको रिजर्वेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस नहीं करी है, ठीक है, ये अप टू 40 साल भर सकते हैं, फिर सिविलियन 45 साल तक, डिवोर्स्ड या ऐसे वाली जुडिशियली सेपरेटेड 35 साल तक भर सकती हैं, और ये एससी एसटी कैटेगरी वाली 40 साल तक भर सकती हैं। ये सारी चीजें हो गई। डेट ऑफ बर्थ आपको वही वाला भरना है, मैं फिर से इस वजह से बहुत बारीक में जा रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता रहे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट में जो है वही डेट ऑफ बर्थ डालना, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दे रहे हो। एक्स सर्विस मैन के लिए जो सिविल साइड में मतलब ऑलरेडी प्लेस्ड है उनके लिए ये पैरा नंबर 5.4 है, मैक्सिमम लोग इसमें नहीं होते तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सब आप पैरा देख लेना, अलग अलग पैरा अलग अलग चीजों के लिए दिया गया है। एक्स सर्विस मैन में कौन कौन लोग आएंगे पैरा नंबर 5.8 में दिया गया है, ये भी देख लेना, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे एक चीज देखना, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान देना है कि जिनको भी, जो भी लोग अपना चाह रहे हैं कि उनको कैंडिडेट का या कोई भी तरह का
रिजर्वेशन मिले उनको हमेशा अपना सर्टिफिकेट रेडी रखना है। किस डेट को, अभी आगे दिया गया है कि 1 अगस्त 2024 को, अभी मैं बता दूंगा डेट पे पहुंच के कि आपको सर्टिफिकेट रेडी रखना है। यहाँ पे आगे डेट दे दी गई है, देखो मैं मिटा दे रहा हूँ, ये भोज भोज बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक लाइन पढ़ना आप, जो बहुत बारीकी से एसएससी ने लिख दिया है कि आपको घबराए बगैर उस दिन अगर रिजेक्ट करे तो रिजेक्ट हो जाना। क्या लिखा है एसएससी ने, मैं एक बार, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको पढ़ के एक समरी बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ रखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर आपसे, यहाँ पे देखो, कैंडिडेट्स आर कॉशन्ड दैट दे मस्ट इंश्योर दैट दे बिलोंग टू द कैटेगरी, यानी आपने किसी कैटेगरी से मान लो फॉर्म भरा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपने जनरल से फॉर्म भरा तब तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, मान लो आपने कोई कैटेगरी, आपकी कोई कैटेगरी हो, आपने जनरल से फॉर्म भर दिया तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना। इन केस मान लो आपने ओबीसी से भरा, ठीक है, अब आप जब जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें वो कहेंगे ओबीसी का आपने जनरल से सिलेक्शन लिया या किसी से भी लिया, वो कहेंगे आपको सर्टिफिकेट दिखाओ, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन्होंने लिख दिया कि इफ ये कैंडिडेट इज रिजेक्ट, सॉरी हाँ यहाँ पे लिखा है कि when such certificates are sought by concerned entity departments at the time of DB, आपको जब वो मांगेंगे तो दिखाना है, failing which their candidature will be cancelled। सीधी सी बात SSC ने लिख दी कि अगर आपने नहीं दिखा पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, that's it, ज्यादा नौटंकी नहीं करने का मौका दिया जाएगा। इसी वजह से कहता हूं कि अगर आप किसी कैटेगरी से भर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवा ले। अब देखो एक चीज इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है कि अगर आपके अंदर कोई हड़बड़ी है या कुछ भी दिक्कत है तो आप समझ जाए, इन्होंने लिख दिया, ये साफ साफ समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, बाद में न रोने लग जाना, ये मैं इस वजह से कड़े शब्दों में कह रहा हूं कि भैया ध्यान से समझ लो। ये देखो ये वाला पैरा, फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट एक्स है जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा और उसका एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी कैटेगरी उन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन जब डीबी हुआ तो क्या पता चला कि भैया के पास, जब डॉक्यूमेंट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्यूमेंट में कहता है ओबीसी सर्टिफिकेट लाओ, तो भैया के पास अनेबिलिटी, मतलब अनेबिलिटी है, यानी वो दिखा ही नहीं पाते सर्टिफिकेट, यानी उनके पास वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है। अब है तो 25 साल पुराना है तो उसको नहीं माना जाएगा और ऐसे सिनेरियो में कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसिल्ड बाई, यानी आपका कैंडिडेचर सीधे सीधे कुल मिलाकर डिपार्टमेंट उठा के कैंसिल कर देगा, सिंपल सी बात। यानी आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड क्यों, कैसे वैलिड होगा, वो आपको आगे लिख दिया है एसएससी ने कि कब का बना होना चाहिए। ये देखो एसएससी ने सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे देखो ये क्रूशियल डेट पैरा नंबर 6.4 को, अगर आपको यहाँ कोई चीज नहीं समझ में आती तो ये पैरा नंबर 6.4 आपके उसी से रिलेटेड है। कहा गया क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, जो भी आप ले रहे हो और उसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ देना है सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी चीजें कब की होनी चाहिए, कब की होनी चाहिए, विल बी द क्लोजिंग डेट, क्या विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ, फिर से पढ़ लो, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ, यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट है उसके लिए क्रूशियल डेट जो होगी वो क्या होगी, विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपकी 7 मई या 8 मई जो भी क्लोजिंग डेट है, 8 मई मान लेते हैं, 7 मई मैं सेफ साइड के लिए मान लेता हूँ, 7 मई जो आपकी क्लोजिंग डेट है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। आपके पास मतलब 1 महीने का टाइम है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वैलिड है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो 1 महीने का टाइम है। एसएससी ने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, पीछे आप पेज नंबर 70 के बाद जाएंगे तो उसमें किस कैटेगरी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटी है कोई तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो दे रखा है, उसी फॉर्मेट में बनवा लो, अगर नहीं बनवाते हो और उस टाइम पे रिजेक्ट होते हो बाद में ही ना करना, सिंपल सी बात है। एक चीज और कहा गया, ये देखो एक चीज और दिया गया कि एक आदमी है जो ओबीसी का सर्टिफिकेट कह रहा है, अब ये कह इनको ये मतलब इंश्योर करना है कि वो क्रीमी लेयर में ना आते हो। दूसरी चीज, आप मान लो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं और आपका ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे लिखा है ही पोजेस द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर द 24-25 इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 23-24 इन अकॉर्डेंस विद डीओपीटी, यानी आपको अगर 24-25 में सर्टिफिकेट मांगा गया है, 24-25 का सर्टिफिकेट दिखाने जाओगे तो आपकी इनकम जो होनी चाहिए वो 2023-24 के बेसिस पे 2024-25 में वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी पिछले साल के बेसिस पे इस साल, यानी अगर आपने कोई सर्टिफिकेट मान लो बनवाया एक साल मान लो वैलिडिटी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और मान लो आपने दिसंबर 2023 में बनवाया तो आपका दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक वैलिड है, यानी आपके पास जब क्रूशियल डेट है यानी 8 मई उस तारीख को आपका
सर्टिफिकेट वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो आपका सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड होता और आपने 2022 में बनवाया होता और 1 जनवरी को, तो 2024 1 जनवरी तक ही वैलिड था, यानी 8 मई से बहुत पहले तक, 8 मई को आपके पास वैलिड, यानी 1 जनवरी तक तो वैलिड था आपके पास। लेकिन अगर मैं 2 जनवरी से लेकर 8 मई की बात करूं तो उसके बीच में आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि 2 जनवरी को आपका एक्सपायर हो चुका है, तो 8 मई को कहां से हुआ। ठीक है, ये क्लियर रखना। ये सारी चीजें हो गई, फिर कंपनसेटरी टाइम वगैरह 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 ये सब चीजें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, उसके लिए आप पैरा नंबर दिस वन पढ़े। और एक चीज और दिया गया कि अगर आप कोई किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी है तो आपको ये एसएससी 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देती है आपके एग्जाम में, ये दिया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, इसमें कुछ चीजें अलग है, यानी कि कुछ लोगों को वरीयता दी गई है, ये मैंने पढ़ रखा है, वही मैंने कि आपको क्या क्या समझाना है, कि ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने में उठा के आ जाऊं और पता ही ना रहे। देखो, तीन मिनिस्ट्री मैंने बताई थी जो डीओ ग्रेड ए की पोस्ट जिसमें है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और देख लेना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट ये इन्होंने जो दी है वो 1 अगस्त 2024 दी है, यही सीजीएल में सेम रहने वाली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2024 की, यानी इससे पहले आपके पास 10th 12th जो भी सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखो ये कौन कौन से मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये तीन मिनिस्ट्री के लिए आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। यानी अगर आपने 12th में बायो लिया, यानी पीसीबी था, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। 11th 12th में आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए मैथ के सिवा कोई नहीं एलिजिबल है। अब आते हैं दूसरी पोस्ट के लिए, दूसरी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि उनके पास 12th पास होना चाहिए, वो किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी कुछ भी हो, बस 10+2 लेवल का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो उनके पास पॉलिटेक्निक वाला। और एक चीज और इसमें लिख दिया कि अपियरिंग कैंडिडेट के लिए, कि जो अपियर हुए हैं एग्जाम में, 12th वाले एग्जाम में या इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम है उसमें अपियर हुए हैं, वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। बस उनको ध्यान रखना कि उनका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 1 अगस्त 2024 से पहले आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात इतनी सी है। यानी अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं लेकिन 1 अगस्त 2024 से पहले का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी उनके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे वो प्रूव कर पाए कि वो भैया 10+2 पास हो चुके थे, यानी 12th पास हो चुके। अप्लाई कैसे करना है, इन्होंने अप्लाई कैसे करना है, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो पैरा नंबर 9 जरूर पढ़े, ये मैं बहुत नहीं पढ़ने जाऊंगा क्योंकि मैं सिखाऊं कितना भी आपको कुछ सीखने में नहीं आएगा जब तक ये पढ़ोगे नहीं, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी थी कि आपका जो फोटो है भैया वो उसमें बहुत लोग दिक्कत हो जाती है कि ब्लर्ड फोटो और सिग्नेचर ब्लर करके अपलोड कर देते हैं या कंप्यूटर वाला अपलोड कर देता है और आप हो जाते हो बाद में बाहर इसके बेसिस पे, क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो ये ध्यान रखना कि ब्लर्ड फोटो ना डालें, 10 से 20 KB के बीच में फोटो होनी चाहिए, विड्थ जो दी गई है वही होनी चाहिए, ये चीज ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो 7 मई है, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट डेट 7 मई, तो इसी वजह से क्रूशियल जो भी सर्टिफिकेट का डेट है वो 7 मई है। क्लियर हो गया इतनी सारी चीजें। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फी पे। आपको पता है कि 100 रुपए फी लगने वाली है, SC ST कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट, इन सबके लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई फॉर्म नहीं, और फीस 8 मई तक भर सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। अब जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो 10 तारीख को खुलेगी अगर आपके फॉर्म में कोई गलती, यानी 10 मई को खुलेगी और 11 मई तक खुली रहेगी, 2 दिन के लिए खुली रहेगी। और यहाँ पे एक चीज और दे दिया गया कि फ्री में नहीं होगा, 200 रुपए आपसे SSC लेगी तब आप करेक्शन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, और जब दोबारा करेक्शन करेंगे, मान लो करेक्शन किया और फिर भी सही नहीं हुआ, तो 500 रुपए उसके बाद देना पड़ेगा, ये सारी चीजें लिख दी SSC ने। भैया पैसे के मामले में SSC बहुत क्लियर है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर क्या भरना है अपने रीजन के हिसाब से देख लेना, कोड हर सेंटर का दिया गया, आप देख सकते हैं कौन से, यहाँ पे जैसे CR का ये कोड दिया गया लखनऊ प्रयागराज गया, ऐसे ईस्टर्न रीजन का आपको पता है ये वाले ईस्टर्न रीजन में फॉल करेंगे, वो अपना ऐसा सेंटर डाल सकते हैं, किसी भी रीजन से आप भर सकते हैं, क्योंकि पैन इंडिया ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, तो ऐसा नहीं कि आपको इसी रीजन में नौकरी मिलेगी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ये फ्रेशर्स के लिए, अगर आप चाहें तो पार्ट स्किप कर सकते हैं, सीधे जम कर लेना, कुछ देर यही चलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें दी गई देखो, इसकी मॉक एग्जाम से पैरा नंबर 13 में हम आ गए हैं, देखो इसमें क्या क्या चीजें दी गई उस पर आ जाते हैं। देखो आपको पता है कि 3 टियर में एग्जाम होगा, सॉरी 2 टियर में होगा, मैं मजाक कर रहा था, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 जो होता है वो प्री होता है, जिसको प्री बोलते हैं, इसको मेंस बोलते हैं, ठीक है। प्री क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेंस के बेसिस पे नंबर मिलते हैं, ये अभी हम डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन मैं ये बेसिक चीज समझा रहा हूँ। और उसके बाद आपका DB होता है। अभी इसका टियर 1 हो गया, टियर 1 में 1 सेक्शन होता है, इसमें 3 सेशन होते हैं, यानी सेक्शन 3 होते हैं। पहले सेक्शन में मैथमेटिक्स रीजनिंग, दूसरे में इंग्लिश GK, तीसरे में टाइपिंग और स्किल टेस्ट वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, वो सारी चीजें होती है। तो अब हम उस पर डिटेल में आते हैं। देखो सबसे पहले कहा गया कि आपका CBT हो जाएगा, प्री होगा, उसके बाद आंसर क्या आएगा, आंसर की में कुछ प्रश्न अगर गलती है तो चैलेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें सबको पता है, नौटंकी ये बताते रहते। देखो यहाँ पे आते हैं, फोकस करते हैं।
कहा गया कि आपका जो टीयर वन होगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इंग्लिश होगा, जीआई होगा यानी कि इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, यानी कि आपका ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया मैथ और ये हो गया जीके। ये चार चीजें आएंगी, 25-25 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, पहली बार जो भर रहे हैं उनके लिए बता दूं, और 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 60 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं। और एक चीज और, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और जो निगेटिव मार्किंग हुई 1/4 यानी कि 0.50 मार्क्स आपके कटने वाले हैं। बोलो क्लियर है? यानी एक गलत प्रश्न के आधे नंबर कटेंगे और एक सही प्रश्न के 2 नंबर मिले। जो लोग स्क्राइब या कोई डिसेबिलिटी, उनको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा प्री के लिए। प्री हो गया, प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी चार ऑप्शन आते हैं, पेपर देख लेना, एमसीक्यू होते हैं, पेपर अंग्रेजी हिंदी और जो भी लैंग्वेज आप चुनते हैं, लैंग्वेज कई सारे ऑप्शन रहेंगे तो उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। आपको यह दिया गया निगेटिव मार्किंग 0.50 की होगी। अब आते हैं मेंस पे। देखो एक चीज बताऊं, मेंस में 3 सेक्शन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सेक्शन 1 में जो होता है वो 2 मॉड्यूल होते हैं, यानी सेक्शन 1 60 क्वेश्चंस का होता है, 1 घंटे का होता है कुछ चीजों पे फोकस करना, और 180 नंबर का होता है। मेंस में एक प्रश्न 3 नंबर का हो जाता है, यानी आपको सेक्शन 1 में क्या आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगी, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी 60 या 180 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, सेक्शन 1 हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 ये एक ही दिन में सब होने वाला है। सेक्शन 2 में आपको 1 घंटे का फिर से पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा, 40 प्रश्न इंग्लिश का रहेगा, 20 प्रश्न जीके का, यानी 60 प्रश्न इधर पूछा जाएगा, और 60 या 180 नंबर का ये भी सेक्शन होगा, यानी आपका टोटल कितना हो गया, 180 नंबर ऊपर, 180 नंबर नीचे, यहाँ देखो 180 नंबर ऊपर और 180 नंबर नीचे, यानी कि 360 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको नंबर लाने पे आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब 360 में ही आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो सेक्शन 3 दिया गया है ना, उसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, हालांकि इसके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 नंबर का पेपर होगा, 15 मिनट का टाइम दिया, 15 प्रश्न 15 मिनट के लिए टाइम दिया जाएगा, ये सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो आपने अभी तक एक चीज देखा होगा, ये क्वालिफाइंग है, ये लिख लेना, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कुछ कट ऑफ लिख देंगे कि जैसे 20 नंबर लाना है, 20 से ऊपर यूआर वालों को जिनके भी है वो सब पास है, चाहे कोई 45 लाए चाहे 21 लाए, उसका कोई नंबर नहीं जुड़ा। एक चीज मैं बता दूं कि यहां से हमें एक सीखने में आया कि 60 मिनट में 100 प्रश्न जैसे करने, और मेंस में 60 प्रश्न में 60 मिनट में 60 प्रश्न मैथमेटिक्स इंग्लिश के करने, और इसमें मैथमेटिक्स इंग्लिश जीके और रीजनिंग सब है। तो यहां पे कुल मिला के स्पीड का गेम है, स्पीड के लिए आपको एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी है, मेंस में एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी, प्री में तो चलो 1/4 का माइनस मार्किंग, लेकिन मेंस में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, 3 नंबर एक सही प्रश्न के मिलते हैं और घटते कितने हैं, 1 नंबर, यानी कि राइट क्वेश्चन के ये और घटते कितने हैं, 1, ठीक है। तो स्पीड पे काम करना है। अब देखो पार्ट 2 जो सेक्शन 3 है, उसमें मॉड्यूल 1 आपने पता चल गया कि कंप्यूटर होता है, उसके बाद कंप्यूटर यहां हो गया, अब मॉड्यूल 2 की बात करते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 में क्या दिया गया, इसमें स्किल टेस्ट होता है डीओ के लिए, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो भी दिया गया, यानी कि ये जो पे लेवल 5 वाली पोस्ट थी, फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट डीओ के लिए पार्ट बी, ये अलग स्किल टेस्ट होगा, और पार्ट सी जो होता है वो टाइपिंग होती है एलडीसी और जीएससी के लिए। तो आपको सारे देने हैं, ऐसा नहीं कोई एक दे, मतलब सारे इन द सेंस कि अगर आपने ये दिया है तो ये देने की जरूरत नहीं है, अगर ये दिया है तो ये देने की जरूरत नहीं, मतलब आपको टाइपिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे कहा गया। अब उसके बाद देखो आपको, जैसा कि मैंने बताया कि क्या क्या होगा, ये देख सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स होगा सेक्शन 1 में, ठीक है, सेक्शन 2 में इंग्लिश, और सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स रीजनिंग होगा, सेक्शन 2 में, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा के लिख भी देता हूँ फिर से, जिससे बच्चे समझ जाएं। देखो 30 प्रश्न आएंगे इसके, 30 प्रश्न इसके, 60 प्रश्न हो गए, 60 मिनट का टाइम, और 180 नंबर का ये हो गया, ठीक है। फिर इसमें 40 प्रश्न इंग्लिश के, 20 प्रश्न जीके के, 60 प्रश्न 1 घंटे का टाइम, 60 प्रश्न 60 मिनट में करने, 180 नंबर का ये हो गया, कितने नंबर का, 180 नंबर का ये होगा। उसके बाद कंप्यूटर 15 मिनट का ये होगा, 15 मिनट में 45 नंबर का, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, 45 नंबर का रहेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फिर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टीयर 2 2 सेशन में होगा, मतलब एक ही दिन में 2 सेशन होंगे, सेशन 1 सेशन 2, आपको पता है सेशन 1 में मैथमेटिक्स रीजनिंग, सेशन 2 में जो आपको पता चल गया। फिर उसके बाद टीयर 2 के सारे सेक्शन क्वालिफाई करने हैं, ये पता है। निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी, ये भी पता है। आप देखो स्किल टेस्ट किसका होगा, स्किल टेस्ट आपको, स्किल टेस्ट में क्वालिफाइंग इन नेचर, ये पहली चीज दे दी गई। दूसरी चीज ये क्या कह दिया गया कि जो एरर होगी वो दो डेसिमल प्लेसेस के लिए, यानी 5% यूआर को, 7% अन कैटेगरी को, ये आपका एरर अलाउ करते हैं, उससे ज्यादा नहीं अलाउ करते। स्किल टेस्ट जो होगी आपको ये दिया गया कि जो डीओ है मिनिस्ट्री वाला, जो पैरा नंबर 8.1 में हमें 3 मिनिस्ट्री वाले डीओ मिलते, उनके लिए टाइपिंग स्पीड ज्यादा चाहिए, 15,000 की डिप्रेशन पर आर, यानी कि स्पीड आपकी 15 मिनट में 3700 से 4000 आपको की डिप्रेशन मारने हैं, 3700 से 4000 की डिप्रेशन आपको, की डिप्रेशन मतलब स्पेस भी की डिप्रेशन, जितनी बार
की प्रेस होगी उसको की डिप्रेशन कहते हैं। 15 मिनट में 3700 से 4000 इसका, ये थोड़ा टफ होता है। फिर बात करें डीओ ग्रेड ए अदर देन मिनिस्ट्री, मतलब वो जो मिनिस्ट्री थी उसको छोड़ के जो डीओ के लिए है, उसमें 15 मिनट में आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशन मारने, लगभग दुगनी स्पीड। देखो इसमें 50 वर्ड या 55 वर्ड पर मिनट, इसमें 35 वर्ड से काम चल जाएगा। और यहाँ पे देखो टाइपिंग टेस्ट में 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी वालों के लिए और 30 वर्ड पर मिनट आपके बाकी हिंदी वालों के लिए। यानी हिंदी में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और अगर अंग्रेजी में कर रहे हो तो आपको कितना कितना 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी। अब देखो 30 वर्ड पर मिनट का मतलब क्या कह रहे हैं, 30 वर्ड पर मिनट यानी कि 1050, और ये 30 वर्ड पर मिनट मतलब 9000 की डिप्रेशन पर आवर। यानी कि आपको यहाँ पे जो कहा गया था, यहाँ पे लगभग 50 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड मांगी गई है, और ये कितना मांगी गई है, ये आपके लगभग कितना मांगी गई है, ये 50 वर्ड पर मिनट यानी 30 से डिवाइड कर लेना, कितना हो जाएगा 30 से डिवाइड करने पर, ये लगभग 27 से 30 वर्ड पर मिनट यहाँ मांगी गई, ये टाइपिंग स्पीड मांगी गई। ठीक है, ये देख लेना टाइपिंग स्पीड का कुछ ऐसे लिखा गया है, 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट अलग अलग चीजें दी गई हैं, आप टाइपिंग में विशेष जान पाएंगे। जो सिलेबस है टीयर वन का वो बहुत बेसिक सा है, आप देख सकते हैं जो पहली बार दे रहे हैं, नॉर्मल सा जीके इंग्लिश और अपना क्वांट और ये जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और टीयर टू में मैथमेटिक्स में सेम सिलेबस रहने वाला, बस एक दो चैप्टर ऐड हो जाएंगे, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये मैंने करवा रखा है, स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी भी करवा दूंगा। स्टार बैच में आपको मोर देन एनफ चीजें मिल जाएंगी, और मैथमेटिक्स तो पहले पूरा करवा रखा है। ठीक है, स्टार बैच प्ले लिस्ट देख लेना, और सीएचएसएल के टॉप क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप देख लेना। मॉड्यूल ऑफ सेक्शन वन यानी कि रीजनिंग में क्या क्या रहेगा, इंग्लिश में क्या रहेगा, ये आप देख सकते हैं, पैरा नंबर 13.11.0। फिर कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर में क्या क्या प्रश्न आएंगे, पहली सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें आएंगी, इंटरनेट ईमेल रिलेटेड, नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें आएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, ये जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको बताया गया है कि ये जितने लोग प्री देंगे सबका मेन मतलब सॉरी जितने लोग वो देंगे मतलब फॉर्म भरेंगे जिनका एक्सेप्ट होगा उन सबका प्री रोल नंबर आएगा, फिर उसके बाद एग्जाम करवाया जाएगा, एग्जाम देने के बाद प्री क्वालिफाई होंगे कुछ लोग, 3 लिस्ट आएगी वो आगे दिया गया है। फिर आप जब एग्जाम देने जाएं तो ओरिजिनल जिसमें फोटो और डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो ऐसी आईडी कार्ड लेके जाएं, यही सारे आईडी कार्ड आपके एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं कुछ भी कह दो घिन्नू प्रसाद वाला हम लेके आ गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और फोटो आइडेंटिटी में आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस आपको ये दिया गया है कि एग्जामिनेशन मल्टीपल पोस्ट के लिए वो करवाई जा रही है, तो एक कैंडिडेट विल नॉट, मान लो आपके नंबर सबसे ज्यादा आ जाए लेकिन अगर आपने पे लेवल 2 की पोस्ट ऑप्ट कर ली तो पे लेवल 2 ही रहेगी, आपको कहा गया है कि फिर वो बदली नहीं जाएगी, इसी वजह से केयरफुल रहें पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम। एक चीज और कहा गया कि जो बीआरओ है जिसके लिए केवल लड़के एलिजिबल हैं, इसके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कुछ अलग है, वो आपको एनेक्सर जो आपको एनेक्सर दिए गए हैं लास्ट में फॉर्म के, एनेक्सर 17 में मेंशनड है। क्लियर, डीबी आपको जो भी डिपार्टमेंट होगा वो करवाएगा, एसएससी अब नहीं करवाती, आपको पता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डीबी आपका कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सिलेक्ट होगे वो करवाएगी। एक चीज और देख लेना कि आपका 10+2 डीबी में क्या क्या चीजें चेक होंगी, 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप अदर मतलब इक्विवेलेंट कोई 10+2 के इक्विवेलेंट कोई डिग्री ले रखी है तो वो, और अगर आप डिसेबिलिटी कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का, ये सबका एनेक्सर इन्होंने मेंशन कर दिया, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज और देखना कि आपसे कहा गया है कि हर सेक्शन को पास करना जरूरी है, तो आपको टीयर वन और टीयर टू दोनों में, यूआर से है तो हर सेक्शन में 30%, ओबीसी से है तो 25%, ईडब्ल्यूएस से है 25%, और ऑल अदर कैटेगरी से 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपसे कहा गया कि कैंडिडेट जो है वो टीयर टू एग्जामिनेशन के बेसिस पे, टीयर वन के बेसिस पे टीयर टू में सिलेक्ट किए जाएंगे, और 3 तरह की कट ऑफ आएगी, एक डीओ ग्रेड ए के लिए जो डिपार्टमेंट वाला है, मतलब 3 डिपार्टमेंट मेंशन किए गए, फिर दूसरा डीओ इन तीनों मतलब डीओ डीओ ग्रेड ए इनको छोड़ के, और तीसरा है एलडीसी और जीएससी के लिए, 3 लिस्ट आती है अलग अलग। ठीक है, टीयर टू जो टीयर वन क्वालिफाई करेंगे सबके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा, टीयर टू में सब सेक्शन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस सेक्शन वन और सेक्शन टू के बेसिस पे टीयर टू में, यानी कि आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गोचा पीछे मचा देता हूँ ताकि लिखना आसान है। देखो टीयर टू में क्या होता है, टीयर टू में सेक्शन वन जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स है और रीजनिंग, और मैथ और रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश और जीके, इन इसमें मान लो 180 में आपके आए 120 नंबर और इसमें आए आपके 130 नंबर, अब मान लो 120 नहीं मान लो 20 नंबर आए और इधर 30 नंबर आए 180 में से,
पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग की कुछ कट ऑफ एसएससी रखेगी 80, मान लो इधर रख दिया, इधर 60, तो 80 से कम है आपके, मान लो यहाँ पे आपके 20 आए थे, यहाँ पे 130, तो 80 से इसमें आप फेल हो गए, यानी कि इसमें 20 ही नंबर, तो आपका बस कुछ नहीं चेक होगा। यानी जो मिनिमम इसका इसका रखेंगे वो आपको एसएससी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, तो मिनिमम उतने नंबर होने चाहिए, उसके बाद आपका ये वाला, ये और इसके, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश और जीके के नंबर जोड़ेंगे, फिर उसकी एक कट ऑफ एसएससी ने अलग से रखी कि मान लो एक्स रख दिया गया, ये दोनों मिला के, यानी मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश और जीके मिला के एक्स को जब क्वालिफाई करोगे तभी आपका कंप्यूटर चेक किया जाएगा, अदरवाइज नहीं चेक किया जाएगा। समझ नहीं आया तो फिर से 10 सेकंड बैक जाके समझ लेना। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद में मेरिट लिस्ट, ये देख लो यहाँ पे एक चीज सीधे सीधे लिख दिया गया कि जो आपका मेरिट लिस्ट होगी वो किसके बेसिस पे बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट जो आपकी बनाई जाएगी वो केवल केवल टीयर टू के एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनाई जाएगी, यानी कि टीयर टू में कितने नंबर आते हैं उसके बेसिस पे बनाई जाएगी, टीयर वन क्वालिफाइंग इन नेचर इन्होंने कर दिया। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें पता चल गई। अब आगे क्या दिया गया है उस पर आते हैं, कहीं अगर जरूरत की चीज होगी तो मैं बता देता हूँ। टाई केस अगर हो जाता है तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, टाई केसेस में क्या होता है, अगर आप कुछ एसएससी वालों को कुछ कह देते हैं तो उसमें आपको बैन कर दिया जाएगा, वो सारी चीजें एसएससी ने लिखी, तो आधी चीज तो इसमें हर बार आ जाता है हर नोटिफिकेशन में। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें पढ़नी है तो आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, अगर एक बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्म है मेरा फॉर्म नहीं है ये, अगर आपको कोई स्क्राइब चाहिए तो उसके लिए फॉर्म है, ठीक है, ये आपका क्या है, अगर स्क्राइब है तो डिफिकल्टी इन राइटिंग है तो उसके लिए एनेक्सर इस फॉर्म मतलब इस रूप में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्क्राइब लेने के लिए, स्क्राइब मतलब जो आपका एग्जाम देने जाएगा, इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये आपका क्या है, 40% डिसेबिलिटी वाला अलग से दिया गया है, ठीक है, तो मैं जूम जूम आउट कर दे, हाँ आप ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। अब आपसे कहा गया कि कैसे फॉर्म भरना है, तो फॉर्म कैसे भरना है ये सारी चीजें अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, प्लेबैक स्पीड घटाना और जाके देख लेना, या नोटिफिकेशन आप खुद ही पढ़ लेना, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि ये वीडियो को लंबा करने का एक जरिया हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें स्लाइड करते करते मैं बता दूं कि आपने अगर स्टार बैच नहीं देखा तो देख सकते हैं, स्टार बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर फ्री में आपको मैथमेटिक्स का पूरा बैच मिल जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद ssc.gov.in पे जाओ, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म भरने को दिया जाएगा, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ये सारी चीजें मैं तेजी से बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम ना वेस्ट करना पड़े और ना आपका टाइम वेस्ट हो। क्लियर हो गया, ये आपने एसएससी को हर बार देखा होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए भैया वो ऐसे क्लियर सा सुंदर सा होना चाहिए। अभी इसमें दाढ़ी हो ना हो वो अलग चीज है, दाढ़ी रख सकते हैं, बस क्लियर दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे चंपू लाल की तरह ना दिखना कि कहीं आप ब्लर कर दिया, यहाँ हरी कर दिया, यहाँ नीली कर दी, ठीक है, टोपी लगा के तिरछा मिर्छा, सुंदर सी साफ सुथरा फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट रखो ज्यादा सही रहेगा। आपसे कहा गया कि अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, अगर आप डिफेंस पर्सनल है तो NX-7 की तरह होना चाहिए। क्लियर हो गया, अगर आपको एक्स सर्विस मैन है तो NX-8 की तरह होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट देखते रहना। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए, तो NX-9 देख लेना मेरे भाई, इसी फॉर्मेट में आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ये देख लेना, ऐसे आपका कुछ सर्टिफिकेट बन जाएगा। यहाँ पे आपको किसका साइन होना है किसका नहीं साइन होना वो सारी चीजें देख लेना, और इस फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। अब अगर OBC है तो आपके पास इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए, मुझे नहीं मतलब कहाँ से हो, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, SSC ने कहा तो मैंने कहा करना, ठीक है। और तो अगर बहरे हैं, लिम्स है वगैरह वगैरह, मतलब डॉफिजम है वगैरह, तो इस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, मेडिकल अथॉरिटी वगैरह का कुछ इशू है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और एक चीज और दिया गया कि डिसेबिलिटी वालों के लिए एक और चीज दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये डिसेबिलिटी वालों के लिए। अब मैं आ जाता हूँ कि टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए, अगर मतलब डिसेबल लोग होते हैं उनको टाइप राइटिंग नहीं दे, मतलब टाइपिंग नहीं करनी पड़ती तो उनके लिए अलग, मतलब टाइपिंग शायद कम वर्ड पर मिनट चाहिए होता है, तो देख लेना। EWS के लिए ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये लोग फिर से ध्यान देना मेरे भाई, पहली चीज आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए 7 मई से पहले, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, 7 मई से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए देख लेना, एनेक्सर लगे हुए हैं SSC। अब हम मुझसे ना पूछने आना किस फॉर्मेट में होने चाहिए, SSC ने वो दिया है, इसके सिवा कोई यूट्यूबर कोई नहीं बदल सकता, कोई यूट्यूबर कह दे कि यह गारंटी ले ले कि इस फॉर्मेट में करवा दूं हो जाएगा, नहीं होगा, SSC ने जो फॉर्मेट दिया आप देख लेना, एनेक्सर ये जो लगे हुए हैं इसी फॉर्मेट में अपना नाम डिटेल भर लेना। वैलिड फॉर द ईयर यहाँ पे आपका 24-25 होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे आपका 2024-25 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, रेजिडेंट वगैरह 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 सारी चीजें, और आपका 8 लाख रुपए से पर एनम, वो तो आपको EWS की क्राइटेरिया पता ही है। आपको किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, ये 15 लैंग्वेज दी गई है, हिंदी अंग्रेजी और वो सब मिला के। फिजिकल टेस्ट जो होगा ये ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक सा होता है फिजिकल, ये सेंटर पे कौन से सेंटर पे होगा वो दिखाया गया, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखना है, शेड्यूल 2 में जैसा मेंशन किया गया BRO के लिए वो है, मेडिकल आपका BRO के लिए ही होता है, मेडिकल टेस्ट आपका BRO के लिए जो होगा वो क्या होगा वो सारी चीजें दे दी गई हैं। अच्छा, मेडिकल में दो चीजें होती है, यहाँ पे देखो, टेम्पोरली अनफिट होते हैं, जैसे आपका मेडिकल के दिन कुछ लोग घबराहट में BP बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो उसको टेम्पोरली अनफिट कहते हैं, ठीक है, या मान लो आपको बुखार है आप दौड़ नहीं पाए, ये सारी चीजें टेम्पोरली अनफिट।
लेकिन अगर मान लो परमानेंटली, मतलब कोई पोस्ट है उसमें आपको चाहिए कि आपका हाइट मान लो, या मान लो आपको 15 मीटर का वो होना चाहिए, आपका बीपी मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 60-120 होना चाहिए, और आपका ये बीपी वाला तो वो हो गया टेम्पोरली, मैं एक हाँ विजन मान लो, मान लो 6x6 होना चाहिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आपका मान लो 6x20 है, तो फिर नहीं एलिजिबल इस प्रकार की बात करिए, परमानेंटली अनफिट हो जाओगे अदरवाइज। ठीक है, ये इसमें लिख दिया गया कि 60 डेज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ये परमानेंटली अनफिट के लिए। आप विजुअल स्टैंडर्ड आपको कितना होना चाहिए, 6/12 से कम नहीं होना चाहिए, राइट आई का 6/6 होना चाहिए। सर्जरी आपकी कौन कौन सी चलेगी, मसल डिफेक्ट ये सर्जरी चलेगी, ठीक है, और ये सारी चीजें आप देख लेना कौन सी सर्जरी अलाउड है। मेडिकल फिटनेस में क्या क्या चीजें ली जाएंगी, बीआरओ के लिए क्या क्या चीजें ली जाएंगी ये दिया गया। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगर आपका कुछ हो गया तो ये सारी चीजें, सेविंग फलाना ढिमका ये जो भी दिया गया, ठीक है। फिजिकल ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या क्या है, 1 माइल का रन है, केवल पासिंग है, 10 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है, और ये आपको दिया गया कि रीजनल वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। बीआरओ के लिए सारी चीजें हैं, अगर आप यहाँ से हैं तो इतना होनी चाहिए, यहाँ से इतना, चेस्ट कितना हो चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो बस वेट होता है, और ये GREF के लिए अलग अलग चीजें, मतलब मेडिकल और उस वो सारी चीजें दे दी गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो नोटिफिकेशन में थी, और माइनर डिफेक्ट वगैरह 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 ये सारी चीजों की बात कर ली। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख दी हैं जो आपको करना ही करना है। CHSL 2023 के लिए मैंने टॉप 250 क्वेश्चंस करवाए, वो कर लेना। GD के अभी मैंने टॉप 120 क्वेश्चंस छांट के वो अलग से करवा दिए, वो करना है। CGL 2023 Tier 1 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो करना है। CPO 2023 की प्लेलिस्ट और वीडियो मिल जाएगी, वो करना है। ये मिनिमम चीजें हैं जो आपको करके जाना है, और अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो स्ट्रेटजी और कितने 300 घंटे में कैसे मैथमेटिक्स को पूरा करें वो आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सारी चीजें मैंने बताई, 1 अगस्त से पहले आपको पास होना है, 1 अगस्त से पहले आपको 18 से, मतलब 1 अगस्त को आपको 18 से 27 के बीच में होना चाहिए एज वाला, और तीसरी चीज जो सर्टिफिकेट है वो 7 मई आपको दिया गया, 7/05 से पहले का होना चाहिए, और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए। बेसिक सी चीज है जो फिर से मैं बताते हैं, बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, इधर फ्री में मैथ्स की क्लासेस, गाइडेंस और अपनी जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चंस को, वो भी देखना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, टेलीग्राम चैनल पर PDF नोट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे वो भी चेक करें, बाय, लव यू ऑल।